हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है बंदर की नादानी। बरगद के पेड़ पर बहुत से प्राणी रहते थे, पर वे सभी चुन्नू बंदर की शैतानी से बहुत ही तंग आ गए थे। बात भी तंग होने की ही थी। चुन्नू कभी पीछे से चुपचाप जाकर किसी बूढ़े बंदर की पूंछ खींचकर भाग जाता, बंदर पीछे मुड़कर देखे इतनी देर में चुन्नू गायब। कभी वह किसी डाल को जोर से हिला जाता, इससे घोंसले में बैठी चिड़ियों के नन्हे बच्चे जोर जोर से डरकर चींची करने लगते। चिड़ियां उड़कर देखने आती कि क्या हुआ, इतनी ही देर में चुन्नू भाग खड़ा होता। सोनू गिलहरी के तो चुन्नू पीछे ही पड़ गया था। कभी कहता, अरे छुटकी, शीशे में अपना शरीर तो देख, भगवान ने तुझे कितनी छोटी सी देह दी है। कभी कहता, वाह तू कैसी धारीदार रोईदार है, जैसे ओढ़ने का कंबल ही हो। चुन्नू की बातें सुनते सुनते सोनी गिलहरी तंग आ गई। कभी कभी उसका खून खौलने लगता। कभी कभी वह सोचती थी कि इस दुष्ट को ऐसा सबक दूं कि यह दूसरों को तंग करना ही भूल जाए। पर सोनी सोचकर मन महसूस कर ही रह जाती थी, क्योंकि उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह जानती थी कि गुस्सा आने पर चुन्नू अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता है। गुस्से में आकर यह बच्चों को बहुत परेशान कर सकता है। बरगद के उसी पेड़ पर एक वृद्ध लंगूर भी रहता था। वह इतना बूढ़ा था कि उसे ना तो ठीक से कुछ दिखाई देता था, ना वह कुछ काम ही कर सकता था। उसके हाथ पैर कांपते रहते थे। वह सारे दिन बैठा बैठा भगवान का भजन करता रहता था। भगत लंगूर के नाम से वह सारे जंगल में प्रसिद्ध था। उस जंगल के सारे जानवर रोज शाम को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते थे। भगत लंगूर सभी को उपदेश देता था, अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। भगत की इस सेवा के बदले पक्षी उसे अपने अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकालकर दे जाया करते थे। वह भी दिन में बस एक बार प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता था। शेष भोजन वह वृक्ष के सभी पक्षियों में बांट देता था। एक दिन भगत लंगूर बैठा भोजन कर रहा था कि तभी अचानक चुन्नू बंदर वहां से निकला। उसने देखा कि भगत के खाने में दो मोटे मोटे रस भरे फूले फूले मालपुए भी रखे हुए हैं। उन्हें देखकर चुन्नू के मुंह में पानी भर आया। वह समझ गया कि ये मालपुए जरूर कालू कौए ने दिए होंगे। चुन्नू उससे मालपुए मांगता रहा, पर कालू कौआ उसे दिखा दिखाकर सारे पुए चट कर गया था। चुन्नू ने गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा, इस समय वहां कोई न था। बस फिर क्या था, वह अपने लालच को न रोक पाया। उसने चुपचाप भगत लंगूर के आगे से एक मालपुआ उठा लिया। जैसे ही वह उसे मुंह में रखने वाला था कि उसने सुना कि सोनी गिलहरी जोर जोर से चीख रही थी, चोर चोर पकड़ो। सोनी की पुकार पर सारे पक्षी वहां जमा हो गए थे। वास्तव में हुआ यह था कि सोनी चुपचाप पत्तों की आड़ में छिपी सारी बातें देख रही थी। पक्षियों को सोनी गिलहरी ने सारी बातें बताई कि किस प्रकार भगत के खाने से यह चुन्नू चोरी कर रहा था। यह सुनकर सभी पक्षी बड़े नाराज हुए। वे लगे चुन्नू को धिक्कारने। चुन्नू बेचारा शर्म से गड़ गया। मालपुआ उसके हाथ में धरा का धरा ही रह गया। तेजू बाज ने चलते समय अपनी लाल लाल आंखें निकालकर चुन्नू से कहा कि अब की बार यदि उसने ऐसा किया तो उसकी खैर न होगी, उसे बरगद के पेड़ से निकाल दिया जाएगा। इतना अपमान और लज्जा चुन्नू ने कभी ना पाया था। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। रात भर वह भूखा बैठा रहा। क्रोध से वह भुनता रहा। उसने सोनी गिलहरी से बदला लेने का निश्चय किया, क्योंकि उसके कारण ही चुन्नू को इतना अपमान सहन करना पड़ा था। सोनी को इसकी आशंका पहले से ही हो गई थी। वह मधुमक्खियों से गुपचुप न जाने क्या बातें कराई थी। सुबह सारे पक्षी अपने अपने काम पर चले गए। चुन्नू बंदर ने देखा सोनी गिलहरी भी खाने की खोज में चली गई है। बस फिर क्या था, वह चुपचाप दबे पांव आया। सोनी गिलहरी के घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बरगद के पेड़ की एक छोटी सी खो में सोनी का घर था। चुन्नू को पता था कि वहां उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। चुन्नू सोच रहा था कि हाथ डालकर उन बच्चों को उस खो से निकाल लेगा, पर यह क्या, चुन्नू का हाथ तो खो से बाहर ही नहीं आ रहा था।
अब चुन्नू ने ध्यान से देखा कि खोह का छेद तो बड़ा संकरा था। उसने उस पर बिना ध्यान दिए आवेश में हाथ डाल दिया। अब चुन्नू बड़ा परेशान हुआ कि हाथ कैसे निकाले। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि मधुमक्खियों ने आकर हमला कर दिया। छत्ते से सहस्त्रों मधुमक्खियां निकलकर उस पर चिपट पड़ी। अब चुन्नू का एक हाथ तो पेड़ की कोटर में फंसा था और एक हाथ से वह मक्खियां उड़ाता हुआ इधर उधर उछलता कूदता रहा। मधुमक्खियां उसे खूब काटती रहीं, छोड़ दो मुझे, ऐसा कहकर वह बार बार चिल्लाता रहा। तभी फुदकती हुई सोनी गिलहरी भी वहां आ गई। उसने देखा मधुमक्खियों ने चुन्नू को चारों ओर से घेर रखा है। वे उसे खूब काट रही हैं, तंग कर रही हैं। चुन्नू चीख रहा है, रो रहा है। यह देखकर सोनी गिलहरी का हृदय पसीज उठा। उसने मधुमक्खियों से अनुनय की, बहनों अब इसे छोड़ दो, यह मना कर रहा है कि कभी किसी को नहीं सताएगा। हाँ, सच है, मैं सच कहता हूं, मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगा, एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए चुन्नू बोला। मधुमक्खियों की रानी ने अपनी सेना को कुछ आदेश दिया और सारी की सारी मधुमक्खियां तुरंत ही वहां से चली गईं। अब सोनी गिलहरी चुन्नू के पास आई। उसने अपने तेज दांतों से पेड़ की कोटर काटनी शुरू की। बड़ी कठिनाई से तब चुन्नू का हाथ वहां से निकला। इतनी ही देर में चुन्नू का सारा शरीर सूज गया था। मधुमक्खियों ने बड़े जोर से काटा था उसे। सोनी दौड़कर नीतू लोमड़ी के यहां से दवा लाई। उसे कई दिनों तक चुन्नू के शरीर पर लगाया, तब कहीं जाकर वह ठीक हुआ। उस दिन से चुन्नू ने दूसरों का मजाक बनाना, उन्हें सताना छोड़ दिया है। अब वह सबकी सहायता किया करता है, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं, उससे प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान अपना ही होता है। ओके, बाय।